मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। उससे पहले हमने एक बेस की वीडियो रिलीज की थी, आप सभी उसको जरूर देख लें। तब स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। मैं आप लोगों को बता दूं कि रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता था लेंथ इनटू ब्रेथ, याद होगा एल इनटू बी। तो यहां रेक्टेंगुलर प्लॉट के बारे में बात हो रही है तो हम उसे ही यूज करेंगे एल इनटू बी। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। जो लेंथ है उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से यानी टू टाइम से भी एक ज्यादा है। तो सबसे पहले क्या करें, इसकी ब्रेथ को सपोज कर लें। तो मैं कहूंगी सपोज ब्रेथ इज इक्वल्स टू एक्स। अब ब्रेथ एक्स हो गई तो लेंथ क्या हो गई, लेंथ जो है इसके टू टाइम्स से वन मोर है यानी इसका कर दीजिए दुगना टू टाइम्स और उसमें भी वन ऐड कर दीजिए तो ये है इसकी लेंथ। अच्छा, इनका जो एरिया है इस प्लॉट का वो है 528। तो मैंने कहा कि भाई एल इंटू बी इज इक्वल टू 528। अब मेरे पास एल है 2x+1, बी है मेरे पास में एक्स इज इक्वल टू 528। यहां मैं मेंशन कर दूं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। अब 2x का मल्टीप्लाई x में किया तो ये हो गया 2x2, 1 का मल्टीप्लाई x में किया तो ये हो गया 1 × x यानी खाली x इज इक्वल टू 528 को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 2x2 + x - 528 = 0। देखिए इस क्वेश्चन में केवल मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, फॉर्म करनी थी, इसीलिए ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया। मुझसे ना तो लेंथ पूछी ना ब्रेथ पूछी, हमें जरूरत है फाइंड आउट करने की लेकिन हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन का एंड हमारा यह